बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन ब्रदर। आज हमारे घर में अम्मी जान ने चिकन पुलाव बनाया था, इसलिए हमने सोचा अम्मी जान की मदद के लिए चटनी और सलाद। चटनी के लिए जो चीजें चाहिए होंगी वो छोटे भाई बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। जी छोटे भाई बताए तो आपका सुनाइए। चले देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने लिए 5 से 6 सब्ज मिर्चें, 5 से 6 लहसुन और थोड़ा सा हसबे जायका नमक और थोड़ा सा धनिया पुदीना लिया और 2 टमाटर। अब हम टमाटर का छिलका उतार लेंगे और मिर्चों की भी डंडी उतार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का छिलका उतार लेंगे। हमने टमाटर का छिलका उतार लिया, अब हम लहसुन को भी छील लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह से हम बाकियों का भी छील लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने लहसुन का छिलका उतारने के बाद धो लिया था, अब हमने मिर्चों के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और टमाटर के भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह से हम बाकियों को भी काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने मिर्चों को काट लिया, अब हम टमाटर को काटेंगे। अब हम इनको दरमियान से काट लेंगे। अब हम ऐसे ही दूसरे टमाटरों को भी काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने इसे ग्राइंडर में नहीं बनाना। अब हम इसमें डाल लेंगे धनिया और पुदीना। अब हम इसे कूट लेंगे। इसे हम अच्छी तरह कूट लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे कितनी अच्छी तरह पीस लिया है। अब हम इसमें मिर्चे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसे फिर से कूट लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह कूट लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह पीस लेंगे। आप देख सकते हैं हमने कितनी अच्छी तरह इसे पीस लिया। अब हम इसमें थोम डालेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह पीस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं हमने इसे कितनी अच्छी तरह पीस लिया। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, इसे भी पीस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने 7-7 टमाटरों का पानी निकालते रहना है ताकि चटनी अच्छी बने और आसानी से बने। आप देख सकते हैं हमारी चटनी तैयार हो गई। अब हम इसमें नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। हमने एक बड़े बर्तन में दही ले लिया। अब हम इसे 2 चम्मच डालेंगे इसमें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब हम इसे चेक कर लेंगे। हमारी चटनी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें पानी डालेंगे जो हमने लिया था। तो पानी जो हमने निकाल लिया था चटनी को कूटते हुए, अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच। अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब हम इसे चटनी के पानी और पुदीने से डेकोरेट कर लेंगे।
ये हमारी ट्विन ब्रदर की तरफ से चटनी तैयार है। ट्विन ब्रदर की तरफ से चटनी की रेसिपी तैयार है। अब हमें बड़े भाई बताएंगे सैलेड कैसे बनाने हैं। अब बड़े भाई बताएंगे कि सैलेड कैसे बनाने हैं। आइए शुरू करते हैं। सैलेड के लिए हमने ले लिया 2 टमाटर, आधा खीरा, 1 नींबू, 2 प्याज और नमक। प्याज को छील के हम छोटा छोटा काट लेंगे। प्याजों का हम छिलका उतार के ऐसे बारीक बारीक काटने लगे हैं। प्याजों को हमने छील के नमक लगा के रख लिया ताकि इनका कड़वापन खत्म हो जाए। टमाटरों को हम धो के बारीक बारीक काट लेंगे। हमने टमाटर काट लिया, अब हम खीरे का छिलका उतार लेंगे। छिलका उतार के हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे। हमने टमाटर और खीरा काट लिया और 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्याज को धो लेंगे। हमने खीरा टमाटर प्याज काट लिया है। अब हम नींबू को काटेंगे और उससे डेकोरेट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे। बड़े भाई की तरफ से सैलेड तैयार हो गया। आइए देखते हैं, आ जाएं छोटे भाई। बड़े भाई की तरफ से सैलेड तैयार हो गया और छोटे भाई की तरफ से चटनी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली आप तक वीडियो पहुंच सके। और कमेंट में बताएं कि हमारी कोशिश कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।